हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर सा बेबी स्वेटर डिज़ाइन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। फ्रंट से ये कुछ ऐसा बनता है और बैक साइड से कुछ ऐसा बनता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें आपको क्या करना है, 3 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे लेने हैं और प्लस 2 एज स्टिच फंदे आपको लेने हैं। इसमें ये आपका क्या है, 6 रो का आपका ये पैटर्न है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका ये 6 रो में कंप्लीट होता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे कैसे बनाना है आज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने इसमें 3 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे लिए हैं, प्लस 2 एज स्टिच फंदे मैंने इसमें लिए हैं। 3 3 3 3 ऐसे 3 करके प्लस 2 मैंने इसमें एज स्टिच फंदा मैंने इसमें ले लिया है। अब हम अपनी डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनाएंगे। पहले फंदे को ऐसे ही स्लिप करना है और जो ये हमारी पूरी रो है इसको हमें सीधा बुनना है। ऐसे इस पूरी रो को आप सीधा बुन के कंप्लीट करोगे। ऐसे हमें इस पहली रो को सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो की बुनाई कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी सेकंड रो की बुनाई करेंगे। सेकंड रो की बुनाई को आपको पूरा उल्टे बुनना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और जो ये पूरी रो है इसे हमें ऐसे उल्टा बुनना है। ऐसे आप इसे उल्टा बुन के कंप्लीट करोगे। सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो में हमें क्या करना है, धागा ज्वाइन कर लेना है। मैंने इसमें धागा ज्वाइन कर लिया है। अब जो पहला फंदा है हमारा एज स्टिच वाला, उसको हम इसे जो धागा हमने ज्वाइन करा उससे बुनेंगे। अब यहाँ हमें क्या करना है, ऐसे एक फंदा बनाना है। फंदा बनाने के बाद ये एक फंदा हम स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 और 2, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब क्या करना है हमें, जो हमने ये फंदा बनाया है, ये वाला फंदा जो हमने बनाया है, इसको हमें क्या करना है, ऐसे ड्रॉप कर लेना है। इन फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप करना है, ऐसे हम इसे ड्रॉप कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एज स्टिच वाला फंदा छोड़ के हमें आगे से कैसे बनाना है, ऐसे एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2, 2 फंदे सीधे। अब हमने जो ये वाला फंदा निकाला था उसमें हमें इन 3 फंदों से इसे ऐसे ड्रॉप कर लेना है। फिर से ऐसे एक फंदा बनाएंगे, एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाने हैं ऐसे। फिर जो फंदा हमने ऐसे निडल पे निकाला था उसको ऐसे उससे इन फंदों को ऐसे ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। फिर से ऐसे एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर जो ये वाला फंदा हमने निकाला था इससे हमें ऐसे ड्रॉप कर लेना है। फिर से ऐसे एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। उसके बाद जो ये वाला फंदा हमने निकाला था इसको हम ऐसे ड्रॉप कर लेंगे। और जो लास्ट का फंदा आपका एज स्टिच वाला बचेगा उसे आपको ऐसे ही सीधा बुन लेना है। तो ये हमारी थर्ड रो बन चुकी है। अब हम अपनी फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो को आपको क्या करना है, उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ऐसा आप इस पूरी रो को उल्टा बुनोगे।
ऐसे आपको इसे उल्टा बुनना है। फोर्थ रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम अपनी फिफ्थ रो बनाएंगे। फिफ्थ रो को भी हम अपने वाइट धागे से बनाएंगे। पहला फंदा आपको ऐसे ही स्लिप कर लेना है। इस वाले फंदे को आप ऐसे ही बिना बुने स्लिप करोगे और इन दो फंदों को आप सीधा बुनोगे, एक और दो, दो फंदे सीधे। अब आपको क्या करना है, ये एक फंदा, इन दो फंदों को आपको ट्विस्ट करना है। इन दो फंदों को आपको पीछे की साइड से ऐसे आगे लाना है ट्विस्ट करके ऐसे, और इन दो फंदों को हम ऐसे ऐसे आगे लाएंगे। उसके बाद जो ये वाला फंदा है इसको ऐसे बैक लूप से हम ऐसे बुन लेंगे। तो एज स्टिच छोड़ के अब हमें यहाँ से आगे अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। ऐसे आप इस पहले फंदे को ऐसे, इस वाले फंदे को ऐसे आप बिना बुने स्लिप करोगे, दो फंदे आप, एक दो, दो फंदे आप सीधे बुनोगे, फिर इन फंदों को आपको ट्विस्ट करना है। इन फंदों को आप पीछे से आगे लाओगे तो ऐसे आप इनको ट्विस्ट करोगे ऐसे। आगे लाने के बाद अब जो ये वाला फंदा है इसे आप ऐसे बैक लूप से ऐसे बुन लोगे। फिर से इस वाले फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर से इन फंदों को हम ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे। ट्विस्ट करने के बाद इस वाले फंदे को हम बैक लूप से ऐसे बुन लेंगे। तो इस फिफ्थ रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। ऐसे हमें पहले इस फंदे को बिना बुने स्लिप करना है, फिर दो फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं, फिर इन दो फंदों को और इस सिंगल फंदे को हमें ऐसे ट्विस्ट करना है, ऐसे ट्विस्ट करके उसके बाद इस वाले फंदे को हमें ऐसे बैक लूप से बुन लेना है। तो इस फिफ्थ रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। लास्ट का जो आपका फंदा बचता है उसे भी आपको ऐसे ही सीधा बुन लेना है। तो ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी सिक्स रो बनाएंगे। सिक्स रो को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ऐसे हमें सिक्स रो को उल्टा बुनना है। पहले फंदे हम स्लिप करेंगे, उसके बाद इस पूरी रो को ऐसे उल्टा बुन लेंगे। ऐसे आपको इसे उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। तो ये हमारी सिक्स रो भी कंप्लीट हो गई है। तो जो हमारा डिजाइन है वो सिक्स रो तक, यहां तक कंप्लीट हो चुका है। सिक्स रो की बुनाई तक ये यहां तक बनेगा। अब आपको क्या करना है, फिर से यहां से स्टार्ट करना है आपको फर्स्ट रो से। अब इस वाले धागे से आप बनाओगे जो आपका बेस कलर है, ऐसे आपको इसे, अब पूरी रो को इसे आप सीधा बुनोगे। फिर से ये हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट हो गई है। ऐसे आपको इस पूरी रो को सीधा बुनना है जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी अपनी। ऐसे फर्स्ट रो को से सीधा बुन के कंप्लीट करना है। अब हम फिर से अपनी सेकंड रो बनाएंगे। ऐसे हम इसे पहला फंदा स्लिप करेंगे और इस पूरी रो को हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। पूरी रो को ऐसे उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे।
स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट और सेकंड रो बनाई थी ये वही वाली रो हम दोबारा बना रहे हैं। ये पूरी रो भी हमारी उल्टा बुन कैसे कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, फिर से जो हमने थर्ड रो में जो डिजाइन निकाला था, हमने जो थर्ड रो में डिजाइन निकाला था, हमें फिर से इसको वैसे ही निकालना है। ये व्हाइट वाले धागे से हम बनाएंगे इसको। ऐसे फिर आप क्या करोगे, ऐसे एक फंदा बना लोगे, ऐसे एक फंदा स्लिप करोगे, दो फंदे सीधे, फिर जो ये वाले फंदा हमने निकाला था इसको ऐसे ड्रॉप कर लोगे। अब ये वाला एज स्टिच फंदा छोड़ के अब हमें क्या करना है, ऐसे एक फंदा बनाना है निडल पे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर जो ये वाला फंदा हमने निकाला था इस वाले से हमें ऐसे इसको ऐसे है ड्रॉप कर लेना है। तो ऐसे हम इस वाली रो को कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो तक मैंने दोबारा इसे बना लिया है। अब आप क्या करोगे, फोर से लेकर सिक्स तक इसे दोबारा बनाओगे। फर्स्ट रो से सिक्स रो तक दो बार मैंने इसको बनाया है, तो ये कुछ इस तरीके से बना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बड़े पैटर्न में कुछ ऐसा बनेगा। ये बेबी गर्ल बेबी बॉय दोनों के लिए बहुत ही अच्छा बनेगा, दोनों पे ही बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इस डिजाइन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।